वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ब्रीडिंग सीज़न जो है वो कब स्टार्ट होने वाला है एग्जॉटिक बर्ड्स का, और इसके अलावा जो है हम इनकी प्रिपरेशन जो है वो कौन से मंथ से स्टार्ट करते हैं, तमाम डिटेल में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं KS बर्ड्स अपडेट मेरा यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। देखिए क्या होता है कि ये जितने भी एग्जॉटिक बर्ड्स होते हैं, ठीक है, इनका सीज़न और जो लव बर्ड्स हैं, बजेज हैं, इनका सीज़न में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या होता है कि देखिए जो न्यू फैंसियर होते हैं, जो न्यू बर्ड्स लवर होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो ये समझते हैं ब्रीडिंग सीज़न जो है अगस्त के महीने से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मगर चूँकि अगर उनके पास लव बर्ड्स भी लगे हुए हैं, साथ ही रिंग नेक है, अलेक्जेंड्राइन है, तो वो तमाम पेयर्स के बॉक्सेस जो हैं वो एक साथ ही लगा देते हैं और ब्रीड का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिसमें से लव बर्ड्स हो गए, बजेज हो गए, कॉकटेल हो गए, वो तो ब्रीड करते हैं अगस्त सितंबर में। मगर साथ ही ये परेशानी आती है कि जब हमारे ये बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं तो रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन जो है वो ब्रीड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न तो ऑन है। तो देखिए अगस्त सितंबर में जो है वो लव बर्ड का, कॉकटेल वगैरह का ब्रीडिंग सीज़न होता है, जो कि अगस्त सेप्टेम्बर में उनसे ब्रीड ली जाती है, ठीक है। बजेज का सीज़न जो है वो पूरा साल ही होता है, मगर जून जुलाई में जो है हम इसलिए एहतियात करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बर्ड्स का मोल्ड का टाइम चल रहा होता है, तो इस टाइम पर हम हंडियाँ निकाल देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जॉटिक बर्ड्स की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। कि देखिए इनका सीज़न जो है वो स्टार्ट होता है तकरीबन अक्टूबर के बिल्कुल लास्ट से, ठीक है, या नवंबर के स्टार्ट में जो है हम बॉक्स लगा देते हैं। वैसे तो हम नवंबर के स्टार्ट में जो है बॉक्सेस लगा देते हैं। अब बात ये आती है कि कुछ पेयर्स जो हैं वो जल्दी ब्रीड कर देते हैं, ठीक है, कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जो बाद में ब्रीड करते हैं। यानी अगर इस जो पिछला साल गुजरा उसमें हमारे पास ब्रीड आई थी नवंबर में, ठीक है, मगर इसके बाद वाला या इससे पहले वाले जो सीज़न रहे उसमें हमने फरवरी में भी ब्रीड ली, मार्च में भी ब्रीड ली, नवंबर में हम ब्रीड नहीं ले सके। इसका ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से होता है कि आपके मुल्क में जो है, आपके शहर में क्या टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। देखिए अगर हम रिंगनेस म्यूटेशन के बारे में बात कर लें, या म्यूटेशन जो है वो बाहर ममालिक में USA, UK, कैनेडा वगैरह में जो है बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, लोग बहुत शौक से रखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत शौक से रखा जाता है, मगर पाकिस्तान में चूँकि ब्रीडिंग मंथ जो है वो नवंबर से ही गिने जाते हैं, कि नवंबर से ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट है जो कि अप्रैल तक रहेगा, ठीक है। और बाहर ममालिक में जैसे जर्मनी वगैरह में भी ऐसा होता है कि जब यहाँ सीज़न ख़त्म होता है मई जून जुलाई, तो वहाँ पर सर्दी जो है वो विंटर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उनके बर्ड्स जो है वो मई जून जुलाई के महीने में ब्रीड करते हैं वहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि इनका ताल्लुक जो है वो महीनों से नहीं होता, ठीक है। जब आपके मुल्क का टेम्परेचर सर्दी का टेम्परेचर होगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में सर्दी जो है वो अपने उरूज पे नवंबर दिसंबर में होती है, ठीक है। स्पेशली जनवरी के महीने में जो है वो यहाँ पे अच्छी खासी सर्दी होती है पाकिस्तान में, तो इसलिए जो बर्ड्स ब्रीड नहीं भी करते तो वो जनवरी का सीज़न, जनवरी का महीना जो है वो उरूज पर होता है, पीक सीज़न होता है एग्जॉटिक बर्ड्स का, ठीक है। तो इसकी वजह यही होती है कि इनका टेम्परेचर अगर आप अच्छा होगा, ठीक है, माहौल अच्छा होगा, सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, अच्छा जो है वो आपके सेटअप का, आपके मुल्क का जो है वो माहौल चल रहा होगा, तो आपका पेयर जो है वो ब्रीड करेगा। अब बात ये आती है कि देखिए पिछला सीज़न जो गुज़रा उसमें अगर आपके पेयर ने ब्रीड की है नवंबर के महीने में, अब जो आने वाला सीज़न है उसमें आपका परिंदा जो है वो नवंबर में ब्रीड नहीं करता, यहाँ तक कि नवंबर का पूरा महीना गुजर गया, दिसंबर का मिड भी आ गया, मगर वो ब्रीड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मकसद ये हो सकता है कि जो पहले पिछले साल जो सर्दी नवंबर के महीने में रही है, ठीक है, जो इनके हिसाब से टेम्परेचर रहा जो बर्ड्स को ब्रीड के लिए चाहिए होता है, वो मे बी पॉसिबल कि वो इस साल ना हो, ठीक है, वो आगे जाके जनवरी में या दिसंबर के लास्ट में हमें देखने को मिले, तो फिर आपका परिंदा उस हिसाब से ब्रीड करे, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये ताल्लुक जो है वो सर्दी से होता है। अगर आने वाले साल में अगर सर्दी पहले आ जाती है तो इनका सीज़न भी जो है वो मे बी पॉसिबल, मुमकिन है कि वो पहले ही स्टार्ट हो जाए, पेयर जो है वो पहले ब्रीड कर ले, और अगर वो लेट ब्रीड करें तो यकीनन ये भी टेम्परेचर और माहौल के हिसाब से ही जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रिपरेशन जो है वो कौन से मंथ से की जाती है। देखिए जुलाई का महीना तो अभी चल रहा है, ठीक है, जुलाई का समझिए अभी मोल्डिंग सीज़न ही चल रहा है, जुलाई अगस्त, अगस्त तक समझिए कि तमाम बर्ड जो है वो मोल्ड कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। मगर जिन्होंने लेट मोल्ड स्टार्ट किया था तो वो सितंबर में या अक्टूबर में जाकर मोल्ड कंप्लीट करेंगे, मगर बहुत सारे पेयर्स जो हैं वो अगस्त में अपना मोल्ड कंप्लीट कर लेंगे।
अच्छा, जो जो पेयर्स अगस्त में मोल्ड कंप्लीट कर चुके होंगे उसके बाद हम इनकी डिवॉर्मिंग करेंगे, ठीक है। डिवॉर्मिंग इन बर्ड्स के जो पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स को बहुत सारी पेट की प्रॉब्लम का मसला होता है, बर्ड्स ब्रीड भी सही से नहीं करता, ठीक है। और जो वो सीड्स खा रहे हैं वो उसके अपनी बॉडी में नहीं लग रहे होते, ठीक है। बर्ड्स दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है, तो ये बहुत सारी वजह होती हैं जिसकी वजह से हमें इनकी डिवॉर्मिंग कम अज़ कम साल में एक दफ़ा करनी चाहिए, यानी ब्रीडिंग सीजन से पहले करनी चाहिए, ठीक है। मोल्ड के टाइम पे परिंदा वैसे ही डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए हम मई जून जुलाई में इनका मोल्ड चल रहा होता है तो हम डिवॉर्मिंग नहीं करते, ठीक है। अगस्त का महीना में हम डिवॉर्मिंग करेंगे, उसके बाद अगस्त के मंथ से ही हम इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे ब्रीड की। अगस्त से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सितंबर अक्टूबर, ठीक है, और फिर नवंबर का मिड, यानी ये ढाई महीने हैं जो होते हैं, ये बहुत मेन होते हैं आपके बर्ड्स के लिए, आपके बर्ड्स को तैयार करने के लिए। इसमें हम अगस्त से मल्टी विटामिंस भी बर्ड्स को देंगे, कैल्शियम भी देंगे, और अदर्स जो मेडिसन्स होंगी हम वो भी बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे, कैल्शियम्स वगैरह की और विटामिन की, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें होंगी वो भी हम अपने बर्ड्स को देंगे, ताकि जो है बर्ड्स ब्रीड के लिए तैयार हो। कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जो कि बर्ड्स को ब्रीड के लिए तैयार की जाती हैं, ठीक है, कि हम अगर हम ये चीज़ें देंगे तो बर्ड्स हमारा जल्दी ब्रीड की तरफ आ जाएगा। तो ये सारी प्रिपरेशन जो है हमारी स्टार्ट होगी अगस्त के महीने से। तो अभी जो हम बर्ड्स को तमाम डाइट दे रहे थे वो नेचुरल डाइट दे रहे थे, ताकि बर्ड्स जो है वो कोई भी मेडिसिन ना ले और नेचुरल तरीके से इसका मोल्ड कंप्लीट हो। तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आज की वीडियो यही थी। मिलते हैं ज़बरदस्ती नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।